पर बात करूंगा, सेंसर भी नहीं अभी निकलेगा और ना फॉर्मेलिटी पर साइन होगी। फिर इन्होंने मुझे सर मेरे खेत पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है फिर भी ये चार्ज काट रहे हैं, तो मेरा जो 45,000 दो साल से ये खाके बैठे हैं, तो मैं इंटरेस्ट क्यों नहीं लूँगा। किसान भाइयों राम राम, मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, जो हमने फसल ऐप पर पिछला वीडियो डाला था वह आपने सब देखा ही हुआ है, उसके बाद में क्या क्या हुआ वह बात आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, हमने इनसे 12 तारीख में फ़ोन पर बात की थी, फिर इन्होंने हमसे 7 दिन का जो समय मांगा था, 7 दिन के बाद भी फिर इन्होंने हमारा फ़ोन नहीं अटेंड किया। 9वें रोज फिर हमने इनको जो आपने वीडियो देखा वह वीडियो बना के पहले हमने कंपनी को भेजा था, फिर भी इन्होंने 2 दिन तक कुछ एक्शन नहीं लिया। 2 दिन के बाद में तीसरे बंदे के थ्रू, कंपनी का कोई आदमी नहीं था, कंपनी में जो काम कर रहा था उसका दोस्त जो था, उस दोस्त के जरिए, वह भी एक किसान ही है, हमारा पाटीदार ही है, उसके ज़रिए मेरे से इन्होंने संपर्क किया। उन्होंने उस बंदे ने मुझसे फ़ोन पर बात की कि आपका फसल ऐप कंपनी से क्या चल रहा है। मैंने उसको बताया कि भाई फसल ऐप कंपनी ने मेरे साथ ये किया है और मैंने उनसे डिमांड रखी है, तो उसने फिर मेरे को बताया कि भाई आप गुरुवार तक वीडियो को बंद कर दो, डिलीट कर दो या रोक दो, तो गुरुवार को आपका पेमेंट हो जाएगा। मैंने उसको बोला कि भाई आप कंपनी के लफड़े में क्यों पड़ रहे हो। बोले आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, वो नहीं देंगे तो मैं दूंगा, गुरुवार तक आपका पेमेंट आपके पास में आ जाएगा। 45,000 की बात हुई थी। और किसान भाइयों, उसने इसके बाद में मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं किया। अगर वो मुझको पूछता कि इसके बाद में पेमेंट देने के बाद में आपका सेंसर निकाल कर ले जाएंगे, आपकी साइन उनके फार्म पर जो भी उनका कागज़ कार्रवाई है उस पर आपको साइन करनी रहेगी, तो मैं और आगे की बात करता। अब उसने मेरे से वीडियो रोकने का, डिलीट मारने की जो बात कही थी वह हमने गुरुवार तक वीडियो को रोक के रखा। उसके बाद में कल गुरुवार में 2 बार फ़ोन पर बात हुई, तो कंपनी के जो भी अधिकारी थे उन्होंने मुझसे बोला कि भाई पहले हम सेंसर निकालेंगे, जो भी फॉर्मेलिटी थी उस पर उन्होंने साइन करवाने की बात की। तो मैंने उनको बोला कि पहले मुझे मेरा पेमेंट करो, उसके बाद में मैं आपकी सारी फॉर्मेलिटी जो भी है उस पर बात करूँगा, सेंसर भी नहीं अभी निकलेगा और ना फॉर्मेलिटी पर साइन होगी। फिर इन्होंने मुझे 45,000 रुपये मेरे खाते में जमा किया। यह चेक इन्होंने मेरा खाता नंबर 2 दिन पहले ही मांग लिया था। किसान भाइयों, उसके बाद में फिर मेरे पास में इन्होंने फ़ोन लगाया। मैंने उनको बोला भाई अभी बाकी है, अभी मैं ना तो सेंसर निकालने दूंगा ना आपकी फॉर्मेलिटी पर साइन करूंगा। फिर जो बीच में जो बंदा था उसके पास इन्होंने फ़ोन लगाया, और जो बंदा था वह बीच में आया ज़रूर पर पूरी तैयारी से नहीं आया था। अगर उसको बीच में आना था तो फिर सारी जो प्रोसेस थी उसकी जानकारी मुझे डिटेल में देना था कि भाई ये आपका सेंसर भी निकालेंगे, आपकी फॉर्मेलिटी पर साइन भी करवाएंगे, तो मैं उसको बता देता कि भाई इसके बाद में भी मेरी डिमांड है। किसान भाइयों, आपने वीडियो पर देखा ही होगा, इन्होंने जो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग डाली हुई है उस पर फसल ऐप कंपनी के अधिकारी क्लियर बता रहे हैं कि हमारा सेंसर आपके खेत पर 2 साल लगा हुआ है और 2 साल का जो भी चार्ज है वह कट के मिलेगा, प्लस आने जाने में जो चार्ज लगा हुआ है, जो बंदा आपके खेत पर गया है वह सारा चार्ज काट पीट के जो भी प्रोसेस में आएगा उसके बाद में हम आपको पेमेंट करेंगे। तो किसान भाइयों, इनका सेंसर मेरे खेत पर 2 साल से लगा हुआ है, हफ्ते भर भी काम नहीं किया फिर भी ये मेरे से चार्ज काटते थे। वो तो मेरे वीडियो के माध्यम से इनकी जब बेइज्जती होने लगी तब सारी बातें इन्होंने ढंग से मुझसे की, तीसरे के जरिए मेरे से संपर्क किया और मेरा पेमेंट रिटर्न देने का वादा किया। अगर मैं ये नहीं करता तो न तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न देने वाले थे न सर्विस देने वाले थे। अब उसके बाद में अगर इनका सेंसर मेरे खेत पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है फिर भी ये चार्ज काट रहे हैं, तो मेरा जो 45,000 दो साल से ये खाके बैठे हैं, तो मैं इंटरेस्ट क्यों नहीं लूँगा। और किसान तो इंटरेस्ट देकर, बल्कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देकर खरे पसीने की कमाई खाता है और इंटरेस्ट दे देकर ही प्रगति करता है, उन्नति करता है, न कि इनके जैसे किसी के गले काटता है। तो मैंने जो मैं इनको 45,000 रुपये दिए, जो 2 साल से ये मेरा 45,000 खा के बैठे, उसका इंटरेस्ट मेरा जायज़ है और इंटरेस्ट मेरा
टोटल 2 साल का 24,200 रुपये बन रहा है। और जिस दिन इस सेंसर को ये मेरे खेत पर लगाने आए थे उस दिन मेरे 2 लेबर्स यहाँ पर इनके काम में लगे हुए थे, तो मेरे 2 लेबर का चार्ज 1,000 रुपये बनता है। मेरे जैसे मेरे लेबर भी महंगे हैं, इस हिसाब से 25,200 रुपये मेरे इन पर और बकाया है। अगर 25,200 रुपये मेरे को ये देंगे, देने के बाद भले इनके इस सेंसर को निकाल कर ले जाए, इनकी फॉर्मेलिटी पर साइन करवाना है तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। अगर यह 25,200 मेरे तक नहीं आते या ये मुझे नहीं देते तो वीडियो इसी तरह चलते रहेंगे और न जाने कितने चैनलों पर चलेंगे, मुझे खुद को पता नहीं है। मेरा दिमाग ख़राब हो हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया है। अगर कोई खरे कमाई को इस तरह से खाएगा तो मैं क्या, कोई भी किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए किसान भाइयों, इसके बाद में और आगे क्या होने वाला है वह भी वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और ऐसी कंपनियों से सावधानी के साथ में काम करें। धन्यवाद।